हेलो मित्रों, सो निशांत यार एंड यू नो व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने भी यही सोच के यूट्यूब स्टार्ट किया था कि मैं वीडियोस बनाऊंगा, व्यूज़ आएंगे, लाइक्स आएंगे, एड्स चालू हो जाएंगे एंड मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊंगा। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यूट्यूब इज़ लॉन्ग टर्म गेम। बिकॉज लाइक मैंने जिस तरीके से शुरू किया था, वैसे कई और सारे लड़के होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार मैं 30 दिन के 30 वीडियोस बना के डालूंगा, मुझे व्यूज़ मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, एड रेवेन्यू मिलेगा एंड पैसे कमा के मैं खुश रहूँगा। बट दिस इज़ नॉट द केस, दिस इज़ नॉट द रियल केस। इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि लोग सिर्फ थंबनेल और टाइटल देख के आपको देखने नहीं आते, लोग आपको देखने आते हैं। आपकी पर्सनालिटी जो वीडियोज़ में दिखती है लोगों को, वो पसंद आती है रादर देन थंबनेल और टाइटल। इट्स मैटर बट उतनी नहीं जितनी अपनी पर्सनालिटी मैटर करती है। तो थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसे कमा के वायरल वीडियोस से सब्सक्राइबर्स पा के पैसे कमा के आप निकल जाओगे, बट उसके 2 साल बाद कोई आपको पूछने भी नहीं आएगा, उसके 5 साल बाद आपको कोई जानता भी नहीं होगा, तो वो कुछ काम का नहीं है। सो थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। कांट फूल योर ऑडियंस, आप अपनी ऑडियंस को उल्लू नहीं बना सकते। लाइक उन्हें पता चल जाता है, वो हमसे ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता है कि लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा, फिक्शन कहानी बता रहे हो और उन्हें समझा रहे हो कि इस तरीके से होता है, ये होता है, वो होता है। उन्हें पता चल जाता है जिस तरीके से क्रिएटर प्रेजेंट करता है वो कहानी, वो किस्सा। उन्हें वाइब मिल जाती है कि ये बंदा सही में बोल रहा है, सच में इसके साथ ये किस्सा हुआ है या फिर ये फिक्शन कहानी बना के हमें सुना रहा है कंटेंट के हिसाब से। सो यू कांट फूल योर ऑडियंस एंड कीप दैट इन माइंड। ऑडियंस आपसे ज़्यादा होशियार होती है, डोंट टेक योर ऑडियंस फॉर ग्रांटेड, क्योंकि वो सिर्फ आपके वीडियोस देखने नहीं आते, उन्हें अंकित भाटिया, भुवन बाम, सैम कोल्डर, थारू के वीडियोस देखने, और भी कई सारे क्रिएटर हैं उनके वीडियोस भी देखने, तन्मय भट्ट के वीडियोस उन्हें देखने हैं। तो वो आपके वीडियोस क्यों देखने आएंगे? अगर आपका वीडियो से अच्छा तन्मय भट्ट का वीडियो है तो अपना वक्त तन्मय भट्ट के वीडियो पर लगाएंगे, आपके वीडियोस पर क्यों ज़ाया करेंगे अपना वक्त? अगर आपका कोई एक वीडियो भी ख़राब हो गया तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरा 4 लाख मेरे पास सब्सक्राइबर्स है तो 4 लाख व्यूज़ तो आएंगे। नहीं आते भाई, आपका हर एक वीडियो अच्छा परफॉर्म करे इंटरनेट पे ये ज़रूरी नहीं है। मेक वीडियो यू वॉन्ट टू वॉच, क्योंकि अगर आपका वीडियो देखने में आपको मज़ा नहीं आ रहा तो ऑडियंस को भी मज़ा क्या है। आई थिंक ये हर एक क्रिएटर के साथ होता है, क्योंकि मैं भी बीच में वीडियो सिर्फ अपलोड ही कर रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था बनाने में, देखने में, एडिट करने में, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक एंड अपलोड इट बिकॉज यूट्यूब वॉन्ट्स। बट मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये कोई काम का नहीं, अगर मेरा वीडियो मुझे ही देखने में मज़ा नहीं आ रहा तो कोई और क्यों देखेगा, कोई और क्यों इंटरेस्ट होगा। अगर मेरा ये 4 मिनट का वीडियो आप 1 ही मिनट देखकर चले आ रहे हो तो कोई एक बंदा है आपके कंपटीशन में जो आपसे ज़्यादा अच्छा वीडियोज़ बना रहा है, तो लोग उनका ही वीडियो देखेंगे ना, लोग आपका वीडियो क्यों देखेंगे? क्योंकि लोगों को क्वालिटी चाहिए, लोगों को मज़ा आना चाहिए, लोग आपका वीडियोस नहीं देखेंगे। 4 मिनट का वीडियो 1 मिनट देख के चले जाएंगे क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है एंड आप जो बातें कर रहे हो वो लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, तो वो छोड़ कर चले जाएंगे बिकॉज देयर इज़ अनदर क्रिएटर हु इज़ बीटिंग यू। तो कॉम्पिटिशन बहुत है, तो मेक क्वालिटी कॉन्टेंट विथ क्वान्टिटी, दैट्स वाई। पीटर मैकिनन ने एक बात कही है कि डन इज़ बेटर देन परफेक्ट, एंड ये बात इस सोशल मीडिया क्रिएटर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है, क्योंकि डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। अगर आप कोई एक चीज़ को, एक वीडियोस को बहुत परफेक्ट तरीके से बनाने गए एंड प्रेजेंट करते हो एंड शायद वो वीडियो ना चले जिस तरीके से आपने एक्सपेक्ट किया था, तो क्रिएटर्स का लाइक उन्हें मज़ा नहीं आता वीडियोज़ बनाने, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि इस वीडियो को 1 लाख व्यूज़ मिलेंगे बट उस वीडियो को सिर्फ 50K व्यूज़ ही मिलते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि यार मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। वो अपने आप को जज करते हैं इन बेस ऑफ मैट्रिक्स, लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स। सो डन इज़ बेटर देन परफेक्ट, बहुत ज़्यादा सोचो मत किसी एक बात के बारे में, बना के छोड़ दो टाइम के हिसाब से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये थोड़ी बहुत बात है जो मैंने अब तक सीखी है एंड आई होप कि ये आपको हेल्प करे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, कैच यू इन द नेक्स्ट वन।